Students, after the completion of tenders and contracts, now today we will discuss about the storage of this chapter, drug house management. अब जो storage है इस chapter में, storage के बारे में हम पढ़ेंगे कि storage क्या होती है. सबसे पहले बात करें regarding the storage. अब देखो, कोई भी drug store open किया है तो उसमें जितना भी stock है उसको properly store maintain करके रखना पड़ेगा. तो मेंटेन करके रखने के लिए उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एक तरह से सिस्टमैटिक वे में जो मेडिसिन हैं उनको अरेंज करना. मेडिसिन क्या, आप कोई भी किसी तरह का भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई भी शॉप है तो सिस्टमैटिक वे में हर चीज़ अरेंज की जाती है, हर चीज़ रैक्स के अंदर प्रॉपरली अरेंज की जाती है, ताकि वो जो सेल्स पर्सन है उसके लिए भी कन्वीनियंट हो और जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके लिए भी कन्वीनियंट हो. ठीक है, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, ये अरेंजमेंट करती है इस मैनर में ताकि दोनों के लिए कन्वीनियंट हो. ठीक है, अब इसकी अरेंजमेंट के लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर किस तरह से रैक में अरेंजमेंट करें, तो इसके भी मेथड्स हैं अलग अलग. इसके क्या मेथड्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, अगर मेडिसिन है उसकी स्टोरेज करनी है तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कि कौन से मैन्युफैक्चरर है किसकी मेडिसिन, जैसे ग्लैक्सो इंडिया है, ग्लैक्सो की है वो एक रैक में अरेंज कर दी, दूसरे रैक में कोई यूनिकैम की है वो अरेंज कर दी, सन फार्मा की है वो अरेंज कर दी. इस तरह से कंपनी वाइज, मैन्युफैक्चरर वाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है उसके सारे प्रोडक्ट एक रैक में अरेंज कर दिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इस तरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं मेडिसिन की. उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है कि सारी एनाल्जेसिक एक जगह रख दी, एंटीपायरेटिक एक जगह रख दी, तो इजी हो जाता है कि हाँ एंटीपायरेटिक सब यहाँ पे पड़ी हैं तो आप यहाँ से उसको बहुत इजी से उसकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर सकते हो, या फिर जिसको भी हैंड ओवर करनी है आप कर सकते हो. तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर भी हम इसको पर्टिकुलर रैक्स में स्टोरेज कर सकते हैं. और जो लास्ट है, लास्ट वन इज अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली में क्या हो जाएगा, जैसे ए अल्फाबेट से एस्प्रिन है, एनाल्जिन है, उनको एक साइड रख दिया, बीटाडीन है, ठीक है, उसको बी वाले कैटेगरी में रख दिया, सी वाली कैटेगरी में अलग आ जाएगी. तो इस तरह से उनको ए बी सी डी, जिस तरह से उनका जो इनिशियल जो स्टार्ट हो रहा है जिस लेटर से, उसके अकॉर्डिंग वो अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया. ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो यूज होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर. हाँ, मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था, ग्लैक्सो की एक जगह रख दी, ठीक है, और उसके बाद यूनिकैम की एक जगह रख दी. इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रैक्स में अरेंज कर दिया मेडिसिन को. ठीक है, फिर बात करते हैं ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा कन्वीनियंट मैथड इसको कहा जाता है. नेक्स्ट, हम जब भी स्टोरेज करते हैं तो हमेशा जो ओल्डर स्टॉक है उसको पहले रखते हैं. रैक है, अगर रैक में मान लो पीछे भी स्टॉक रखना है आगे भी, तो ओल्डर जो पुराना स्टॉक है उसको पहले रखा जाता है. क्यों, क्योंकि मेडिसिन के केस में हर चीज़ की एक्सपायरी होती है. ठीक है, तो वो एक्सपायर होने से पहले ही उसको सेल किया जाता है कि उसकी एक्सपायरी निकल जाए, इससे अच्छा वो वेस्ट जाएगा, तो उसको पहले सेल किया जाता है. जो ओल्डर, जो पुराना हमारा स्टॉक है उसको निकाला जाता है. इसलिए सबसे पहले आगे फ्रंट में ओल्डर स्टॉक रखा जाता है और बैक साइड में जो जो फ्रेश स्टॉक होता है वो ओल्डर स्टॉक के पीछे रखा जाता है. ठीक है, ये था हमारा जनरल की स्टोरेज हम किस वे से करते हैं. ठीक है, स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी चीज़ को अगर हमने स्टॉक रखना है, स्टोरेज करना है, तो वो भी प्रॉपरली होना चाहिए. अगर आप इस तरह से पूरा मैशिंग कर दोगे तो कन्फ्यूजन किसको होगी, सेल्स पर्सन को भी इनकन्वीनियंस होगा और जो कस्टमर है उसको भी वेट करना पड़ेगा, तो फिर वो इतनी देर वेट नहीं करेगा, मे बी वो मूव ऑन करा जाए, मूव ऑन कर जाए उस शॉप से, वो दूसरी मेडिसिन शॉप या फिर दूसरी कैमिक शॉप से परचेज कर ले जो भी उसको मेडिसिन चाहिए.
तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीन मेथड से होती है, हम स्टोरेज मैन्युफैक्चर के बेस पे कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे एंटीबायोटिक एक साइड रख दी, एक्सपेक्टोरेंट्स एक रैंक में रख दिए और एनाल्जेसिक एक रैंक में रख दिए। और उसके बाद आता है अल्फाबेटिकली ए बी सी डी, जो इनिशियल लेटर है जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उनके रैंक्स अरेंज करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें कोडिफिकेशन। स्टोरेज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स इन ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर में जो अलग अलग आइटम्स है उसको कैसे कोड कैसे दिया जाता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि डेफिनेशन समझनी है कि कोडिफिकेशन होता क्या है। कोडिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड सिंबल्स और नंबर्स, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोडिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड और सिंबल और नंबर्स पर्टिकुलर मटीरियल्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है कोडिफिकेशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, किसी भी पर्टिकुलर जो भी आइटम्स हैं उनको कोड देगा, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए उनको कोई सिंबल दे दिया जाता है या कोई नंबर्स के थ्रू या कोड के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद कोडिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों दिया जाता है ऑब्जेक्टिव कोडिफिकेशन, किस लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है फॉर द गुड सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग। इट इज एसेंशियल फॉर गुड सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग। ठीक है, मेन इसका यही रीजन है, इसलिए करा जाता है ताकि एक अच्छा स्टोर कीपिंग, जो स्टोर कीपिंग है हम अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, एक तरह का सिस्टम बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, क्या एडवांटेज होते हैं, क्यों कोडिफिकेशन की जाती है, तो एक तो जो भी एम्बिग्युटी होती है वो अवॉइड हो जाती है, मतलब किसी चीज़ को कोई भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ अस्पष्ट नहीं रह जाता, सब क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है। अब ये नहीं किसी के बारे में हमने ये है ये ग्लैक्सो कंपनी की है और एंटीपायरेटिक है 300 mg की है, तो इतना सारा डिटेल लिखने से अच्छा उसको कोड दे दो ना, आपको पता है कि अच्छा ये कोड है 80 कोड है, इसको 80 उठाओ, इसमें ग्लैक्सो कंपनी की 300 mg वाली पड़ी है ये मेडिसिन। ठीक है, तो वो जो लेंथ होती है वो मिनिमाइज हो जाती है उसकी डिटेल की। और कोडिफिकेशन से एक तरह से नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि कोड जिसने दिया होता है उसी को पता होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन आके आपके जो भी है शॉप पे या फिर जो भी है कुछ भी विदाउट कोड उसको इस तरह से हेल्पफुल नहीं होता कि वो कुछ भी वहां से पिक कर लेगा, जो भी ढूंढ रहा है उसको वो मिल जाएगा। तो कोडिफिकेशन से सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है।
उसके बाद एक तरह से ये एंश्योर करती है आइडेंटिफिकेशन, जो मतलब कि आइडेंटिफाई कर लेती है और बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है तो वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, उसको एस्पिरिन कहते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इसलिए कोडिफिकेशन की जाती है। उसके बाद हम बात करें आगे, कोडिफिकेशन करने के अलग अलग मेथड्स भी होंगे। जैसे हमने स्टोरेज के मेथड करे थे, वैसे कोडिफिकेशन के भी मेथड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कोडिफिकेशन के मेथड्स वन बाय वन करके। मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले चार मेथड है, अल्फाबेटिक मेथड, निमोनिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। सबसे पहले आ जाता है इसमें अल्फाबेटिकल मेथड, अल्फाबेटिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है निमोनिक मेथड, निमोनिक मेथड के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड। एंड आफ्टर न्यूमेरिकल मेथड जो लास्ट वन है दैट वन इज कॉम्बिनेशन मेथड। तो ये चार मेथड है कोडिफिकेशन के। सबसे पहले हम वन बाय वन करके सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है अल्फाबेटिकल मेथड। ये जो अल्फाबेटिकल मेथड है तो इसमें कहता है अल्फाबेटिकली कोड दिए जाते हैं सिस्टम को अल्फाबेट्स के थ्रू, जैसे ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग कोड दिए जाते हैं। और ये जो मेथड है ये उन चीजों जो कुछ आइटम्स हैं जो कि कुछ ही पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड तक होते हैं, ठीक है, यानी 26 लेटर्स हैं, तो उतनी ही कोडिफिकेशन की जा सकती है। ज्यादा आइटम्स है, ज्यादा पर्टिकुलर मटेरियल है, तो उसकी कोडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये सूटेबल है उस जगह पे जहाँ पे बहुत पर्टिकुलर आइटम्स है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कम है, उनमें कुछ पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टी मीन्स टैबलेट्स, टी कोड दे दिया ना, सी कोड दे दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्सूल्स को, ठीक है। इस तरह से अल्फाबेटिकल वे में भी हम कोडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये सिंपल मेथड तो है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें सिंपल मेथड है, लेकिन ये मेथड वहां पे सूटेबल नहीं है। इसका ये डिसएडवांटेज है जहां पे नंबर ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कितने को कोड दे दोगे, ठीक है। इसमें ये बताओ टी फिर टेबलेट, टेबलेट अब कोई 10 mg की टेबलेट है तो टी से 10 mg की कैसे, टी से टी का ही कोड है, टी का कोड टेबलेट ही रहेगा, टी से 10 का कोड तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ ही आइटम्स के लिए, कुछ ही मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। अब इसको ओवरकम करने के लिए निमोनिक मेथड है। ये मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें कैसे होगा, इसमें जैसे कोड 80 रख दिया एग्जाम्पल में, जैसे 80, अब ए रिप्रेजेंट कर रहा है एस्प्रिन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टैबलेट को, ठीक है, 80 कोड हो गया, या फिर ए टी पी, ए एस्प्रिन, टी टैबलेट, पी मींस पैरासिटामोल, ठीक है, एस्प्रिन टैबलेट पैरासिटामोल। तो ये निमोनिक मेथड है, ठीक है, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। इसका क्या डिसएडवांटेज है कि जो मटेरियल है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम नहीं पहचान सकते जब तक हमारे पास एक रेफरेंस कोड इंडेक्स ना हो। हमारे पास रेफरेंस कोड इंडेक्स भी होना जरूरी है कि 80 लिख रखा है, 80 है कैस्ट्रेन टेबलेट, तो रेफरेंस कोड होना बहुत जरूरी है, इसका ये डिसएडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल नेम से क्लियर है, नंबर से इसको हम कोड देते हैं। अब इसके नंबर का भी दो मेथड है, एक को आ जाता है डेसिमल सिस्टम और एक ब्लॉक सिस्टम, डेसिमल
एंड ब्लॉक, ठीक है, दो सिस्टम से कर सकते हैं। अब जो डेसिमल सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर हर नंबर और पॉइंट के जो डेसिमल है उसके बाद जो पॉइंट पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक सब कैटेगरी को डिफाइन करता है कि एक सब ग्रुप है उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें डेसिमल सिस्टम की, कोई इस तरह से लिखा हो 6.1, 6.11, 6.111, 111, ठीक है, ये डेसिमल्स में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अब ये क्या है, एनाल्जिन, ये क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, ये क्या है, एस्पिरिन हो गया, ठीक है। अब इसमें ये आ जाएगा पैरासिटामोल, ठीक है। अब ये देखो इसमें जो पॉइंट के बाद एक एक नंबर बढ़ रहा है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, एनाजीन, एस्पिरिन, पीसीएम, ये सब है तो एक ही कैटेगरी की ड्रग्स, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टेबलेट्स है, सारी एनाल्जेसिक ग्रुप में आती है, ये सब किस में आती है, एनाल्जेसिक, ये सब एनाल्जेसिक कैटेगरीज की है, लेकिन देखो इसकी सबकी जो टेबलेट्स है ये डिफरेंट टेबलेट्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लॉक सिस्टम। जो ब्लॉक सिस्टम है उसमें जो नंबर है वो स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर नंबर्स को कि इतने नंबर से लेकर इतने नंबर तक ये चीज अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 101 से लेकर 300 तक आपको टेबलेट्स मिलेंगी सारी, ठीक है। उसके बाद 300 से लेकर 500 तक आपको सारी कैप्सूल्स मिलेंगी, तो इस तरह से ये पर्टिकुलरली नंबर है ना उसको स्पेसिफाई स्पेसिफिकली क्लासिफाइड कर देता है कि यहाँ से लेकर इतना पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो सब टेबलेट्स का है, यहाँ से लेकर इतना सिस्टम क्या है, कैप्सूल्स का है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल के बाद बात करें हम, हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन सिस्टम। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइन करना, नाम से क्लियर हो रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन किसका होता है, निमोनिक और न्यूमेरिकल, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। न्यूमेरिक एंड न्यूमोनिक सिस्टम इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन मेथड, ये कॉम्बिनेशन मेथड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लेते हैं 80 300, ठीक है, न्यूमेरिकल का 300 आ गया और न्यूमोनिक सिस्टम का 80 आ गया। 80 मीन्स एस्पिरिन टेबलेट, 300 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलॉट किया गया भी 300 एमजी की टेबलेट है, ठीक है, ये कोड दे दिया गया, एक तरह से कोडिफिकेशन कर दी। उसके बाद 80 301, अगर मान लो 80, ठीक है, तो इसका मतलब कि भी क्या है, एस्पिरिन टेबलेट है कितनी, ये मान लो 600 एमजी की है, 500 एमजी की बोल, ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन मेथड हो गया, तो ये डिफरेंट मेथड्स हो गए कॉडिफिकेशन के, ठीक है। तो एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या किया है, आज हमने किया है स्टोरेज के रिगार्डिंग कि स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज किसी भी जो भी मेडिसिन की शॉप है, या हम मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ड्रग हाउस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं मेडिसिन का एग्जांपल ही ले रही हूँ। मेडिसिन की शॉप को किस तरह से सिस्टमैटिक वे से जो भी स्टॉक है उसको कैसे अरेंज किया जाए जिससे दोनों को कन्वीनियंट हो, सेल्स पर्सन को भी और कस्टमर को भी कन्वीनियंट हो, ठीक है। स्टोरेज के बारे में हमने पढ़े कि तीन मेथड्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चर के बेस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे और अल्फाबेटिकली। उसके बाद स्टोरेज के हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े और किस तरह से स्टोर करना चाहिए, कुछ सिस्टम होता है कि ओल्डर स्टॉक पहले रखोगे फ्रंट में और उसके बाद फ्रेश स्टॉक रखोगे ताकि वो एक्सपायरी से पहले उसकी सेल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन क्या होता है, कोडिफिकेशन की डेफिनेशन किया कि ये एक तरह की प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को कुछ कोड दे देना, ठीक है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने उसकी पहचान करने में ईजी हो जाए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड सिंबल और नंबर, कोड भी दे सकते हैं, कोई सिंबल दे सकते हैं या नंबर दे सकते हैं, तो पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन।
उसके बाद हमने किया था इसके ऑब्जेक्टिव क्यों करा जाता है क्वांटिफिकेशन। एक तो मैंने पहले बता दिया आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए, इसलिए ऊपर से एक अच्छा स्टोर कीपिंग, अच्छे से आप स्टोर को रख सको, मेंटेन कर सको, उसके लिए एक सिस्टम बना देता है क्वांटिफिकेशन। उसके बाद हमने क्वांटिफिकेशन के मेथड्स किए हैं, जिसमें एक आ जाता है अल्फाबेटिकल मेथड, नेक्स्ट इज निमोनिक मेथड, न्यूमेरिकल मेथड एंड कॉम्बिनेशन मेथड। ये चार मेथड को हमने डिटेल में स्टडी किया है। अल्फाबेटिकल मेथड में अल्फाबेटिकली अगर हम कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स हैं वो बहुत फ्यूअर हैं, कुछ ही पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम अल्फाबेटिकल मेथड को यूज करते हैं। छोटा सा ड्रग स्टोर है, ज्यादा नहीं कुछ मेडिसिन है, तो इसमें जैसे डी से टेबलेट्स, सी से कैप्सूल्स, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका ये था कि कुछ ही जो मतलब कि फ्यूअर आइटम्स है तभी ये सुटेबल है, लेकिन अगर जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, उनकी कोडिफिकेशन करनी है, तो ये जो मेथड है ये सुटेबल नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए निमोनिक मेथड आया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो इसमें ये था कि जैसे ATP रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे एस्पिरिन टेबलेट और ATP एस्पिरिन टेबलेट विद पैरासिटामोल। इसमें भी कुछ एक डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि इसके लिए एक रेफरेंस कोड की जरूरत है, उसके बिना हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए ना कहाँ से किसका क्या मतलब है। रेफरेंस तो हम देख के ही करेंगे, उसको सर्च करेंगे, रेफरेंस कोड होगा कि हाँ अच्छा ये यहाँ पे है, तो हम उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी दो सिस्टम बना दिए, एक तो डेसिमल सिस्टम और एक ब्लॉक सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो नंबर्स है ना उसमें पॉइंट डेसिमल लगाकर उसके आगे जो नंबर लगाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी को डिफाइन करता है। देखो सब में 16 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये सारे क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं, ये सारी एनालॉजस 6 है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे डबल 1 है, यहाँ पे ट्रिपल 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अलग अलग डिफरेंट टेबलेट्स है, ये एनालॉजी है, ये एस्पिरिन है, ये पैरासिटामोल है। टेबलेट्स डिफरेंट है लेकिन कैटेगरी सेम है, वो सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक सिस्टम में पर्टिकुलरली नंबर्स को स्पेसिफाई करती है कि इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये पर्टिकुलर मटेरियल या प्रोडक्ट मिलेगा, और उसके बाद आगे पर्टिकुलर डिसाइड कर दिया जाता है, पर्टिकुलर नंबर्स दे दिए जाते हैं। जैसे 101 से लेकर 300 तक टेबलेट्स मिलेगी, ठीक है, 300 से लेकर 500 तक कैप्सूल्स मिलेंगी, 500 से लेकर 700 तक पेरेंटल्स प्रिपरेशन मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। जो लास्ट हमारा मेथड आ जाता है वो है हमारा कॉम्बिनेशन मेथड, जो कि निमोनिक मेथड और न्यूमेरिकल मेथड को कंबाइन करके बनता है। यानी हम ये वाले कोड और नंबर्स भी यूज करते हैं, ये ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इसमें देखो एस्पिरिन टेबलेट 80 से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी जो नंबर है 300 यानी 300 mg की है। अगर मान लो 301 कर दिया तो वो 500 mg की है, इस तरह से। तो ये और भी ज्यादा सुटेबल मेथड है, इजिली आइडेंटिफाई होगा, बहुत जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इतनी mg की टेबलेट ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्वांटिफिकेशन मेथड है, ये हमने पढ़ा अभी स्टोरेज और क्वांटिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब जो भी मटेरियल है उसको कैसे कॉस्ट किया जाए, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को कैसे उसको क्या प्राइस लगाई जाए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। अभी के लिए आपका इतना ही, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।